हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया हो गए। और दोस्तों, हम अभी जस्ट सोकर होते हैं और आज हम बहुत लेट हो गए। अभी बज रहा है मॉर्निंग के 7 और हम बहुत लेट हो गए। हमें जगना था 6 बजे, 7 बज गए हैं। और लेट उठने की वजह ये है, हम गए थे नाइट में गार्डन में खाना खाने, तो बज गए थे 10:30-11। और फिर बच्चे अच्छे को सुलाया, फिर हमने भी कपड़े वपड़े चेंज किए, तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो फटाफट से अब कर लेते अपने काम। पहले तो अपने ये चिड़िया जैसे बाल से ही कर लेते। ये देखो जुड्डा बना हुआ था, ये क्लेचर यहाँ लगा रह गया और बाल नीचे आ गए, तो क्या हालत होगी। तो चलो अपना जल्दी फटाफट काम कर लेते, वैसे भी तो हम लेट हो गए हैं। और डुगू के पापा तो गए, तो फटाफट से अपने बालों को संवार लेते हैं और ये अपना जो भी है फेस वेस थोड़ा सा ही कर लेते। सोने के बाद उठते हैं जब ऐसी ही हालत हो जाती है, सबकी हो जाती है, मेरी क्या। तो मैंने बालों को कॉम्ब तो नहीं किया है, बस ऐसे ही अपने बालों को अच्छे से वो करके क्लेचर लगा लिया है। तो मैंने ना क्या, नाइट में खाना खा के आए थे बहुत लेट, 10:30-11 हो गए थे। तो फिर मैंने बालों को मतलब हेयर स्टाइल बनाई थी, तो मैंने हेयर स्टाइल भी खोला था अपना। तो मैंने सोचा सुबह बाल धोऊंगी तो अपना मतलब तेल भी डाल लेती हूँ, हेयर ऑयल कर लेती हूँ। तो मैंने बालों में ऑयलिंग की थी नाइट में और फिर सो गई थी। तो मैं आज नहाऊँगी जब बाल धोने वाली हूँ। और सीढ़ियों के गेट मैंने मतलब लॉक खोल दिया है और मैं वापस लौट आई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे पैर जकड़ से गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली ऊपर आ गई हूँ और ये देख सकते हो मेरे सारे कपड़े वपड़े डले हैं नाइट इवनिंग के। तो चलो फटाफट से मैं आप लोगों को अपने यहाँ का मॉर्निंग का व्यू दिखा देती हूँ। तो आज देखो बादल छाए हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, आ रही है, जा रही है, तो पता नहीं बारिश भी हो सकती। तो मौसम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गर्मी के मौसम में ऐसे ठंडा गर्म मौसम होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ डले छोड़ गई थी नाइट में, कपड़े वो डले हुए हैं। और चिड़िया, 3 चिड़ियाँ कैसे आपस में बातें करने लगी हैं और ची 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 पता नहीं क्या बातें कर रही होंगी। तो एक तो ये सारे कपड़े डले हैं, तो इनको एक एक करके फटाफट से उठा लेती हूँ, फिर यही फोल्डिंग कर लूँगी इनकी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े वपड़े तो उठा लिए हैं, तो चलो इनकी फटाफट से फोल्डिंग कर देते हैं। और मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं नाइट में खाना खाने गई थी गार्डन में, नोता खाने गई थी। तो इस साल मैं नोता खाने कहीं पे भी नहीं गई, तो आज मतलब इस साल पहली बार गार्डन में नोता खाने गई थी। तो खाना इतना मज़ा था कि बता नहीं सकती। खाना में कुछ नहीं था, पूड़ियाँ थी वो भी कैसी सूखी साखी, और एक आलू की सब्जी और एक था छेना। तो उसके अलावा और कुछ, ना ही पुलाव, ना ही छोले, ना ही पनीर, मतलब कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल भी खाना खाने मज़ा नहीं आया था। तो सच सबर के ऐसे जाओ, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, कोई मतलब नहीं है मेकअप वेकअप करके, और खाना इतना बाजार कुछ भी नहीं, मतलब सारा गांव का माहौल जैसा। कोई भी न्यू कपड़े नहीं पहन के गया था ना कुछ से, मैं ही, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही एक न्यू कपड़े पहन के गई थी। तो मुझे तो बहुत गु़स्सा आ रहा था, भाई भी यही था, तो भाई भी कह रहा था कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा खाना अपने यहाँ नहीं होता, ऐसा खाना यहाँ खाने को मिल रहा है। अब वो भी शादी में, तो पता नहीं ये गांव है क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। तो कुछ खाना आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वैसे
खाना की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन वो टेस्टी भी नहीं था ना, बात यह है। तो यहाँ आप लोगों से बातें करते करते मेरी फोल्डिंग हो गई है और हस्बैंड की गए हुए हैं, सुबह के 6 बजे के गए थे जब मुझे पता था, उठे थे जब मैंने टाइम देखा था 6 बज रहे थे, 6:05 की देरी थी, तो मैंने सोचा कहीं जा रहे होंगे पॉटी वगैरह करने, मतलब फ्रेश वगैरह होने, तो मैंने छोड़ो अभी अभी मतलब अभी उनको उनके पीछे नहीं पड़ती वरना बोलेंगे मैं उठ गया तो तू भी पीछे पड़ गई मेरे, तो वो पता ही नहीं कहाँ चले गए, 2 दिन से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मेरे को खुद नहीं मालूम है। कल पूछा था, कल भी नहीं बताया था, और आज बोला तो आज भी नहीं बताया है। और रिक्शा लेके गए थे, टमटम लेके मतलब ऑटो, तो ऑटो कहीं चलाने तो नहीं गए हैं, अब मुझे पता नहीं चल रहा। और मैं अभी सीढ़ियों पे चढ़ी थी तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो सुबह ही सुबह इतना तेज़ दर्द होता है बहुत, तो सुबह ही सुबह पता नहीं क्यों होता है मेरे पैरों में, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई पैरों में कि मेरे पैर में भी दर्द होता है। और अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, मेरे दांतों में इतना दर्द हो रहा था, ब्रश करते टाइम मेरे दांतों में बहुत दर्द होता है, तो मैं ये कोलगेट कम करती हूँ, मैं करती हूँ सूखा वाला लाल दंत। फाइनली फाइनली ब्रश और मैं टॉवल लेकर आई, टॉवल बाहर ही है। तो मैं फेस वॉश लेती हूँ, तो पानी देख लेती हूँ फटाफट से पानी आ रहा है कि नहीं, और मैं चाय बनाने रख देती हूँ, उसके बाद अपने रूम की साफ सफाई थोड़ी बहुत वो करनी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत हो जाती है, तो अभी फटाफट से किचन में चलते हैं। तो ब्रश व्रश तो अपना कर रही हूँ, अब पी लेती हूँ चाय, तो चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, अभी मेरी चाय नहीं बनी है, और कितना 3 कप चाय बनाऊँगी, तो छोटे वाले टंकी में ही बना लेती हूँ, और थोड़ा सा दूध फैल गया, और दूध हस्बैंड लेने गए हैं या नहीं गए वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ गए हैं ऑटो लेके बस। और ये लौकी है तो लौकी की सब्ज़ी आज बनेगी, तो पहले अपना चाय रेडी कर लेते, दूध और पानी मैंने रख दिया है, और चाय पत्ती का डब्बा ले लेती हूँ, और चीनी भी थोड़ी सी रह गई, चीनी भी आज मुझे मंगाना है, चाय पत्ती भी ख़त्म होने वाली है, तो मेरा तो डेली का काम है सुबह शाम, मेरी मुझे चाय पीना है, मेरी आदत है सुबह चाय और शाम को भी दोनों टाइम मतलब मुझे चाय चाहिए। यहाँ चीनी भी कम रह गई है तो शाम के लिए बची है बस, तो मैं मंगा लूँगी, और आप लोग बस बताइएगा आप लोगों की चाय वगैरह हो गई कि नहीं, अगर नहीं हुई है तो मेरे यहाँ पी लीजिएगा, मैं 3 कप बना रही हूँ तो उसमें से हाफ आप कर लेंगे, आप लोगों को भी हम अपना चाय दे देंगे। तो यहाँ अदरक भी कूट के डालती हूँ, कल मंडी गई सासू माँ बोल रही थी अदरक की, अदरक क्या सब्ज़ी सारी महंगी है बहुत ज़्यादा, तो कुछ सब्ज़ी लेके आए थे कुछ सब्ज़ी नहीं लेके आई सासू माँ, तो मतलब शादी वगैरह चल रही है, शादियाँ वगैरह तो बहुत तेज़ सब्जियों के भाव बहुत तेज़ हो गए हैं, तो यहाँ अदरक भी कूट के डाल देती हूँ, अदरक भी बहुत महंगा है, अदरक के बिना तो चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, चाय हो तो अदरक की वरना हो ही ना। तो अपनी बन रही है चाय, ये देख सकते हो चाय बनने रख दी है और धीमी आंच कर दी है, तब तक चाय थोड़ी कड़क होती है मतलब खोलेगी अच्छे से बन जाएगी, तब तक मैं अपना रूम का क्लीनिंग कर लेती हूँ जाके, है ना, सारे काम साथ साथ बन जाए। और हस्बैंड को भी एक कॉल करती हूँ, हस्बैंड कहाँ गए वैसे घूमना है पता ही नहीं है कहाँ ही, 6 बजे से अब 7:30 हो गए लेकिन कुछ अता पता नहीं है, मैंने भी कॉल नहीं किया है।